आज भगवान जगन्नाथपुर जी के चरणों में नमन किया है। इसके अंदर अमन चैन शांति बनी रहे। अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेवा पखवाड़ा चल रहा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको दीर्घायु दे, स्वस्थ रखे। जिस प्रकार से देश का गौरव बढ़ाने का काम वो कर रहे हैं, धार्मिक आस्थाओं को, संस्कारों को बढ़ाने का वो काम कर रहे हैं। जो हमारे जीवन में परेशानियाँ आ रही हैं, बाबा जगन्नाथ उनके माध्यम से उसको ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। मैं आज उनके चरणों में नमन करते हुए पूरे देश की खुशहाली और देश को परम वैभव पे पहुँचाने का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी के देह दुर्लभ कार्यकर्ताओं ने लिया हुआ है, उसको पूर्ण करने में हमें शक्ति प्रदान करे और हमारे देश के प्रधानमंत्री को यशस्वी, दीर्घायु और स्वस्थ रखे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरे देश में प्रवास रहता है। उसी श्रृंखला के अंदर 2 दिन के प्रवास के लिए वो उड़ीसा आ रहे हैं और यहाँ पर आने के बाद अनेकों ने कार्यक्रम वो करेंगे। बूथ से लेकर राष्ट्रीय और प्रदेश में रहने वाले सभी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। साथ साथ मोदी जी ने जो योजनाएं उड़ीसा को घर देने का काम किया है, शौचालय देने का काम किया है, कोरोना वैक्सीन देने का काम किया है, 80 करोड़ लोगों को फ्री भोजन देने का काम किया है, ऐसी अनेकों अनेक योजना हैं जिनके द्वारा उड़ीसा का जीवन यापन चल रहा है। उन योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे, उनको जो लाभार्थी हैं उनको सम्मानित भी करेंगे, साथ साथ यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करेंगे और आने वाले समय के अंदर उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, कार्यकर्ताओं का प्रोत्साहन भी करेंगे और जनता को भी बताएंगे मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है। अगर डबल इंजन की सरकार उड़ीसा के अंदर भी बनती है, गति से विकास कार्य बढ़ेगा। कार्यक्रम कहाँ पर होगा और पुरी में भी कुछ कार्यक्रम है क्या, भुवनेश्वर के अलावा? भुवनेश्वर में भी कार्यक्रम है, पुरी में भी कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम का स्थल 3-4 जगह होगा। 25,000 के प्रमुख कार्यकर्ता को नोट, जनता अपने शहरी केंद्र प्रमुख से ऊपर के कार्यकर्ताओं का वह मार्गदर्शन करेंगे। उसके साथ साथ मंडल, जिला और बूथ स्तर तक भी जाएंगे। एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ अध्यक्ष के साथ में मिलकर कार्यक्रम करता है। भुवनेश्वर में मैदान, जनता मैदान के अंदर 25,000 लोगों की गैदरिंग होगी और वहाँ पर वो उन कार्यकर्ताओं को महसूस कराएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं ने किस प्रकार से देश में फतेह की है, देश की जनता और समाज की सेवा की, उस समाज की सेवा में आगे बढ़े। जगन्नाथ दर्शन के लिए आएंगे, यहाँ पे कुछ कार्यक्रम है? जगन्नाथपुरी में आएंगे, वो रात को आएंगे, यहाँ पे एक कार्यक्रम करेंगे और कार्यक्रम के बाद दूसरे दिन प्रातः यहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे। प्रशिक्षण हमारे संगठन की एक प्रक्रिया है जो लगातार होती रहती है। हम कार्यकर्ता का निर्माण करते हैं, उसको बाकायदा बताते हैं कौन कौन सी चुनौतियाँ हमारे सामने हैं, संगठन में किन लोगों ने, तपस्वी लोगों को ने जहाँ तक संगठन पहुँचाया है, किस प्रकार से आगामी कार्यक्रम हमने करने हैं, वो सब कार्यों पर अनेकों अनेक विषयों पर उस पर चर्चा होती है। पहले केंद्र का लगातार, प्रांतों का लगातार चल रहा है। विष्णु सेठी जी का देहांत भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही हानि की बात है और जहाँ तक जिस प्रकार से वो संघर्ष करते थे दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए वो काम किया करते थे, क्योंकि मैंने भी उनको देखा है। जब कोविंद जी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं महामंत्री था, आदरणीय जो अपने राष्ट्रपति रहे हैं, उस समय विष्णु सेठी जी हमारी कार्यकारिणी के सदस्य थे। उस समय उन्हें मिलना भी होता था, लेकिन इस तरीके से वो हमारे बीच में से चले जाएंगे ये हमें लग भी नहीं रहा था। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, बाबा जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और हम सबको उनके कार्यों को करने के लिए शक्ति प्रदान करें।